तो दोस्तों, जब हम टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएशन की विंडो पे आपको बिल्कुल एंड में ये बेस करेंसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको 8 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जो टेली का बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट होता है वो कंपनी के नेम में, मेलिंग नेम में, एड्रेस है, कंट्री वगैरह, फाइनेंशियल सब कुछ इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद में इन 8 ऑप्शन को इग्नोर कर देता है और इसको ये समझकर इग्नोर कर देते हैं भी इन ऑप्शन में हमें कुछ ज्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट टेली सॉफ्टवेयर के द्वारा इंडियन अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग में ये सेट किया होता है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है भी इन ऑप्शन में हमें कुछ ज्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी टेली सॉफ्टवेयर के द्वारा सेट किया होता है। तो लेकिन दोस्तों, अगर इन ऑप्शन को टेली सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है तो इन ऑप्शन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मतलब जरूर होगा। तो दोस्तों, जब कोई टेली का नया स्टूडेंट किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है तो टेली से रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर इन 8 ऑप्शन के बारे में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि जो नए स्टूडेंट होते हैं टेली को वो इन इंफॉर्मेशन को, यानी कि इन ऑप्शन को इग्नोर कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली इस बात पर डिस्कस करेंगे भी इन ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अगर इन इंफॉर्मेशन में कुछ अगर हम चेंजिंग करते हैं तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर, हमारी रिपोर्टिंग पर कितना इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि बाई डिफॉल्ट ये ऑप्शन नो आ रहा है, तो अगर हम इसको यस करते हैं तो रिपोर्टिंग पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, यस को नो करेंगे तो कितना इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद में ये जो बाई डिफॉल्ट आ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ये नो आ रहा है, तो अगर इसमें हम 2 करेंगे, इसके 2 की जगह हम 3 करेंगे, 4 करेंगे या 5 करते हैं तो कितना इफेक्ट रिपोर्टिंग पर पड़ता है और कहाँ जाके पड़ता है, ये सब कुछ आज हम प्रैक्टिकली इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप टेली के नए स्टूडेंट हो, टेली को अच्छी तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल वीडियो जो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, चाहे आप टेली ERP 9 यूज कर रहे हो तो भी ये ऑप्शन आपको यहां पर मिलेंगे कंपनी क्रिएशन की विंडो पे बेस करेंसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, और आपको ये ऑप्शन टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ऑप्शन इसके अंदर आता है बेस करेंसी सिंबल का, तो ये हमारा इंडियन करेंसी का जो सिंबल है इस तरीके का, ये सिंबल हम ऑटोमेटिक टेली सॉफ्टवेयर में लगा आता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, हमने एक कंपनी एक अलग से ओपन करी हुई है, इसमें कुछ हमारा रिकॉर्ड भी सेव किया हुआ है। हम सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि हम टेली सॉफ्टवेयर में क्रिएशन करने के बाद में वाउचर की पोस्टिंग करते हैं, और हम जैसे कि हमने एक सेल वाउचर का एंट्री जो पास किया हुआ है, और इसकी हम प्रिंट प्रीव अगर हम देखें, हम कंट्रोल पी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम प्रीव पे जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम प्रीव पे जाएंगे तो आप देख रहे हो ये जो सिंबल अभी आपको दिख रहा था, ये जो सिंबल है ये हमारी इस अमाउंट के साथ में यहां पर लग के आता है। तो इसका इफेक्ट है जो चाहे आप टेली ERP 9 यूज कर रहे हो तो भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा बेस करेंसी सिंबल है जो, और ये जो सिंबल है आपको टेली प्राइम में भी देखने को मिलेगा। तो यानी कि इस सिंबल का इफेक्ट हो गया, जब भी कोई अमाउंट जो रिपोर्टिंग में जो दिखेगी आपको तो उस अमाउंट के साथ में इस तरीके का जो सिंबल आपको जरूर नजर आएगा। अगर यहां पर सिंबल चेंज करते हो तो वो सिंबल हटके जो आप चेंज करोगे वो इस तरीके का सिंबल यहां पर भी आपको नजर आना लग जाएगा। तो दोस्तों, ऑप्शन है जो इसके अंदर सेकंड, अब इसके अंदर नाम आ रहे हैं फॉर्मल नेम। अब फॉर्मल नेम में आ गया INR यानी कि इंडियन रुपीज में। अब ये जो वर्ड है कहाँ लिखा होता है? जब हम सेल रिपोर्ट करते हैं और सेल रिपोर्ट के अंदर बाद में ये जो अमाउंट है, अब ये जो अंकों में लिखी हुई है इन्हीं को जब हम शब्दों में जो लिखा जाएगा तो उससे पहले ये INR है जो जरूर लिखा होगा। अगर आप इसको INR की जगह कोई और वर्ड देते हो तो उसकी जगह जो भी आप चेंजिंग करोगे वो शब्द है जो आपका इस अमाउंट जो ये जो वर्ड में जो लिखे गए हैं अमाउंट है जो उससे पहले यहां पर लग के शुरू हो जाएगा। हम इसको चेंजिंग करके देखते हैं, वो भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। जैसे कि इसी कंपनी में, जिस कंपनी में हमने रिकॉर्ड सेव किया है उसी कंपनी में हम चेंज करेंगे, कंपनी पे जाएंगे और इस कंपनी को हम अल्टर करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हो INR जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम कुछ भी एक बार चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर VLS लिख देता हूँ और इसको मैं कंट्रोल के साथ सेव करूँगा। तो दोस्तों, अब जैसे हम हमारा सेल इनवॉइस का प्रिंट प्रीव हम दोबारा देखेंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, कंट्रोल PM करेंगे, प्रीव हम देखेंगे,
तो उसके बाद आप कंट्रोल जेड, हम जूम करते हैं इसको। जूम करने के बाद में आप यहां पर देख रहे हो, अभी जो ऑप्शन हमें दिख रहा था INR, उसकी जगह इस तरीके से VLS हो जाएगा। तो यानी कि इसका इफेक्ट आ गया, हमारे जो वर्ड के साथ जो लिखे जाएंगे उसमें ये इफेक्ट डालेगा। उसके बाद में ऑप्शन आता है हमारे पास में सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये बाई डिफॉल्ट नो आता है, अगर ये नो है, अगर इसको हम यस करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो ये पड़ेगा भी, अब जैसे कि अब हमारे पास जो अमाउंट लिखी होती है, अमाउंट के अंदर जो सिंबल आ रहा है ये अमाउंट से पहले आ रहा है। अगर उस ऑप्शन को हम करेंगे यस, तो ये जो सिंबल है यहाँ से हटने के बजाय हुए अब इस अमाउंट के आगे यहाँ पर आपको शो करना शुरू कर देगा, यहाँ से पहले से हट जाएगा। इसको भी हम चेंजिंग करके देखते हैं कितना इफेक्ट पड़ता है। वापस कंपनी पे जाएंगे और हम अल्टर करेंगे, और अल्टर करने के बाद में इस ऑप्शन को हम कर देंगे यस, और कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे। वापस हम हमारी रिपोर्टिंग देखेंगे, सेल इनवॉइस कर लिया, कंट्रोल पी के साथ हम प्रीव्यू देखेंगे, और प्रीव्यू जैसे हम देखेंगे तो अब ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर। अब ये जो सिंबल जो पहले यहाँ पर नजर आ रहा था, अब ये सिंबल आपको यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि पहले सेट के ये अब एक तरीके से ये ऑप्शन हम कह सकते हैं सफिक्स की बजाय ये प्रीफिक्स बन गया। तो इसलिए इस ऑप्शन को हमने नो ही रखते हैं। तो नो रखने से क्या होता है, जो हमारा सिंबल है जो ये अमाउंट से पहले शो करेगा। तो इस ऑप्शन को वापस हम चेंज करते हैं, वापस हम कंपनी पे जाएंगे और अल्टर पे हम जाएंगे, और अल्टर पे जाने के बाद में इसको तो हम वापस INR करेंगे और इसको हम करेंगे नो। और उसके बाद में ऑप्शन आपको देखने को मैं यहाँ पर मिलता है बी एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। तो दोस्तों इसके अंदर यस किया हुआ है, अब यस इसलिए इसको किया हुआ है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और वापस हम उसी इनवॉइस को देखेंगे भी। इस बिटवीन स्पेस का मतलब ये जो ऑप्शन अभी आपको देखने को आ रहा था यहाँ पे बी एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी कि जो सिंबल आपका है और आपने जो अमाउंट लिखी हुई है उसके बीच में आपको स्पेस देना है या नहीं देना, यानी कि अब ये जो सिंबल है और इस सिंबल के बीच में और इस अमाउंट के बीच में ये आपको स्पेस नजर आ रहा है। अगर इस ऑप्शन को हम नो करते हैं तो ये जो सिंबल का स्पेस है वो बिल्कुल हट जाएगा, ये सिंबल इस वन के साथ में बिल्कुल साथ में चिपक जाएगा। इसको भी हम करके देखेंगे, कंपनी पर वापस जाएंगे, अल्टर पर हम जाएंगे, और वापस इस ऑप्शन पे आके हम इस ऑप्शन को करेंगे यहाँ से नो, और कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे। वापस है जो हमारा सेल इनवॉइस देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू हम देखेंगे, जूम हम करेंगे, और उसके बाद में अब आप देख रहे हो यहाँ पर पहले जो स्पेस नज़र आ रहा था अब इसका जो स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब ये जो सिंबल है बिल्कुल पास में इसके चिपक गया है। तो वापस हम इसको यहाँ से दूर करेंगे, तो दूर करने के लिए वापस हम अल्टर पे जाएंगे और इस ऑप्शन को बिटवीन स्पेस को हम यहाँ से करेंगे यस। तो दोस्तों उसके बाद में एक ऑप्शन आपको नजर आएगा शो अमाउंट्स इन मिलियंस, तो ये ऑप्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट है जो ये भी नो ही होता है। अगर इसको हम यस करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो दोस्तों पहले एक बार ये नो है तो हम नो को देखेंगे भी नो में क्या आता है। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारी बैलेंस शीट पर, आपको वहां से नजर आ जाएगा बैलेंस शीट पे हम जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसका बैलेंस शीट का अगर टोटल अगर आप देख रहे हो, तो इस टोटल में आप देख रहे हो भी 11 के बाद में कॉमा है, फिर 34 के बाद में कॉमा है, फिर 872 के बाद में यहाँ पर ये सिंबल लगा हुआ है, यानी कि डेसिमल लगा हुआ है। तो अगर हम इसको ये करेंगे शो मिलियंस, अगर यस करेंगे तो मिलियंस का मतलब हो गया हर 3 डिजिट के बाद के अंदर आपको इस तरीके का कॉमा जो नजर आएगा। अभी आप देख रहे हो हर दो दो स्टार्टिंग के हर 2 अक्षर के बाद में कॉमा लगा हुआ है। अगर इस ऑप्शन को हम यहाँ से करते हैं यस, अल्टर पे हम जाएंगे और उसके बाद में इस ऑप्शन को करेंगे यहाँ पर यस, और इंटर प्रेस करते हुए इसको करेंगे सेव। अब वापस हम बैलेंस शीट पे देखेंगे, तो अब जैसे आप बैलेंस शीट को देखोगे, हम इसको जूम हम करते हैं, और जूम करने के बाद अभी आप ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे हर 3 डिजिट के बाद में आपको जो जो कॉमन नजर आएगा। पहले आप देख रहे थे यहाँ पे 11 के बाद में था, फिर 34 के बाद में था, फिर 872 के बाद में ये डेसिमल लगा हुआ था। तो ये मिलियंस करने का मतलब हो गया भी आपको हर 3 डिजिट के बाद में कॉमा नजर आएगा। अगर इस ऑप्शन को वापस हम चेंज कर देते हैं, इसको अगर हम नो करेंगे, तो नो करने के बाद में आपको ये ऑप्शन है जो इस तरीके से अपने वापस नजर आ जाएगा। अब आप देख रहे हो वापस यहाँ पे 11 यानी कि 11 के बाद में आपको कॉमा स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन
आपको आ रहा था यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी कि दो के साथ। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब दोस्तों, जैसे कि हम वापस हम जाते हैं हमारी इस कंपनी पे और वापस हमारा जो इनवॉइस हम देखते हैं, कंट्रोल पी के साथ प्रीव्यू जूम करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो डेसिमल प्लेस का मतलब हो गया, अभी अब लास्ट के अंदर आपको जितना डेसिमल लगा हुआ है उसके बाद में जो पैसे के अंदर अगर अमाउंट कोई आती है तो उसकी जो अमाउंट की वैल्यू है वो कितने डिजिट में शो नहीं करनी चाहिए। तो ये लास्ट में हमेशा दो डिजिट के साथ ही शो होती है, क्योंकि ये तीन के साथ नहीं हो सकती, चार के साथ नहीं हो सकती। अगर हम तीन करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा वो हम देखते हैं। वापिस हम जाएंगे कंपनी के एल्टर पे और एल्टर हम करेंगे और इस नंबर ऑफ डेसिमल को हम करेंगे ऐसे तीन, इंटर मार के हम सेव करते हैं और वापिस इस इनवॉइस को देखते हैं। इसका हम प्रीव्यू देखेंगे और प्रीव्यू देखने के बाद में जैसे हमने तीन किया है तो अब जो पहले हमें यहाँ पे ओनली 5 6 नज़र आ रहा था, अब वो तीन डिजिट के साथ 5 6 0 भी नज़र आना शुरू हो गया है, यानी कि अब डेसिमल हमने एक और इंक्रीज कर दिया। जैसे तीन करेंगे, चार करेंगे तो 1 0 और हो जाएगी, पांच करेंगे तो 1 0 और लग जाएगी। तो इस तरीके से जितना हम डेसिमल बढ़ाते जाएंगे वैसे उसके जो हमारा जो डेसिमल है उसके बाद की जो संख्या वो उतने ही डिजिट के साथ काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पर देखते हैं, एल्टर पे हम चलते हैं और उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है आपके पास है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी कि पैसे के साथ। तो दोस्तों इसका इफेक्ट मतलब ये हो गया, भी जब भी हम हमारा सेल रिपोर्ट हम देखते हैं, यानी कि जो पैसे के साथ आपकी अमाउंट आपको नज़र आती है उसको लास्ट में आपको किस तरीके से देखना है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हो भी 195 एंड 56 पैसा ओनली, यानी कि अब ये जो पैसा है आपको इसको पैसे को आपको पैसे के साथ दिखाना है या किस सिंबल में दिखाना है, किस वर्ड के साथ दिखाना है। तो जो वर्ड वहां पर हम चेंजिंग करेंगे वही आपको पैसे की जगह नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है ये टेली सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिक करी होती है, लेकिन इन सभी ऑप्शन के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू से रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर ये ऑप्शन आपको बाद में तीसरा ऑप्शन आएगा बिल्कुल लास्ट का ये वाला आठवां ऑप्शन बिन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, अगर इस ऑप्शन को अगर हम थ्री करते हैं, जैसे हम इसको थ्री करते हैं और एंटर मार के इस विंडो को करते हैं सेव। अब इसको थ्री करने के बाद में क्या इफेक्ट पड़ेगा रिपोर्टिंग पर, एंटर पे जाएंगे कंट्रोल पी के साथ प्रीव्यू देखेंगे। तो जैसे हम इसका प्रीव्यू देखेंगे और प्रीव्यू देखने के बाद जैसे हमने जो डेसिमल जो पहले तीन कर रखा था उसकी वजह से एक ये जीरो इंक्रीज हो गया है, लेकिन अब इसका अगर हम पैसे के साथ अगर इसका वर्ड देखें तो पैसे में इसका वर्ड जुड़ जाएगा भी 195 एंड 560 पैसा ओनली, क्योंकि अब इसका साथ ये क्या कर दिया भी 560, यानी कि 560 पैसा ओनली। ये तीन डिजिट को साथ में अब काउंटिंग करेगा, पहले दो के साथ ओनली 56 पैसा ये काउंट कर रहा था, अभी इसके वर्डिंग अब यहाँ पर आपको मैं जूम करता हूँ, मैं आप देख रहे हो 195 एंड 560 पैसा, यानी कि 560 पैसे के साथ अब आपको ये शो करेगा इस पैसे की जो जो वर्ड के अंदर जो वर्डिंग यहाँ पे जो लिखी हुई है इस अमाउंटिंग की, तो वो आपको इस तरीके से नजर आएगी अगर उसको हम तीन करते हैं। तो वापस अगर हम उसको दो करेंगे तो ओनली ये 56 पैसा ही हमें शो करेगा। हम इसको वापस दो करते हैं और अब इसकी वापस रिपोर्टिंग हम चेक करते हैं कंट्रोल पी के साथ, हम इसका प्रीव्यू देखेंगे, एल्ट जेड हम जूम कर लेते हैं इसको। और अब आप देख रहे हो इसके अंदर जैसे हमने दो डिजिट करी है तो इसकी वर्डिंग भी चेंज होगी, 50 अब अगर 50 एंड 56 पैसा, यानी कि ओनली 56 पैसा। अब यहाँ पे ये जो डिजिट के साथ तीन डिजिट के साथ शो जो हो रहा है अमाउंट यहाँ पर हमारे को, वो इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि हमने जो डेसिमल प्लेस है वो दो की जगह तीन करके रखा हुआ है। अगर इस ऑप्शन को भी हम यहाँ से दो कर देंगे, अगर हम चार करते हैं और इसको भी हम चार करते हैं तो इसका इफेक्ट आप देख सकते हो क्या पड़ेगा। डिस्प्ले पर जाएंगे कंट्रोल पी के साथ और प्रीव्यू देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो अब हर अमाउंट के एंड पे, आप चाहे इसकी कोई बेसिक वैल्यू है चाहे या इसके टैक्स की अमाउंट है, तो हर डेसिमल के बाद में आपको चार डिजिट नज़र आएंगे। और यहाँ पर भी आपको ये लास्ट के अंदर जो अमाउंट है वो चार डिजिट के साथ ही शो करेगा, 195.5600 पैसा हो गया। और ये इसकी अब जो वर्डिंग भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी भी 195 एंड 5600 पैसा ओनली,
तो इस तरीके से जैसे जैसे डेसिमल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेसिमल के साथ इसकी जो वर्ड में जो अमाउंट है वो भी बढ़ती जाएगी। अगर वापस हम इसको दो दो करेंगे तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी पहले की तरह वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए इसी तरीके की वीडियो कंटिन्यू लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।